बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020। बिहार स्टेट ने पुलिस यानी कांस्टेबल पदों के लिए वैकेंसी निकाली हैं, जो कि काफ़ी वैकेंसी हैं और ये लॉकडाउन के दौरान बेरोज़गार भाइयों के लिए बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि इस लॉकडाउन ने सभी बेरोज़गारों के लिए, चाहे किसी भी महकमे से हों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हों, या खुद का बिजनेस हो, या पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हों, सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। क्योंकि हर स्टेट ने अपनी निकालने वाली जो वैकेंसी थी वो भी बंद की हुई है, इसलिए इसी के दौरान बिहार स्टेट ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने ये बिहार के सभी होनहार जवानों के लिए, होनहार स्टूडेंटों के लिए पुलिस के अंदर काफ़ी जो पद हैं वो निकाले हैं, इन पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यदि जो योग्यता मांगी गई है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पूर्व यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएँ। अभी आपका समय नष्ट ना करते हुए इन वैकेंसियों के बारे में पूरा जानकारी इस प्रकार है। ये वैकेंसी बिहार कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 के अंतर्गत सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के 484 यानी 484 पदों पर आवेदन मांगे हैं, जो कि पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2020 से आरंभ होकर के 4 सितंबर 2020 है, यानी आपकी जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर 2020 है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, काफ़ी लंबा समय है अभी। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो csbc.bih.nic.in पर जाकर के भी आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। इसके साथ ही इसका जो योग्यता है वो योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं क्लास या उसके समकक्ष पास की हो। अगर बात करें आयु की तो इन पदों पर अप्लाई करने की जो आयु सीमा तय की गई है वो 18 से 25 वर्ष। बाकी किसी भी विषय में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आप कैंडिडेट सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अभी आता है चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर होगा। पहले कैंडिडेट का रिटन एग्ज़ाम दिया जाएगा, लिखित परीक्षा के पास PET टेस्ट होगा। मेरिट लिस्ट में दोनों परीक्षाओं के अंक जोड़े जाएंगे। यह लिखित परीक्षा 2 घंटों की होगी, इसमें कुल 400 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो जो परीक्षा शुल्क है इसका वो आपको ₹450 देने होंगे, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि अलग अलग जानकारी वेबसाइट पर ये पा सकते हैं, मोटे तौर पर इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क ₹450। एसटी कैटेगरी की जो परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क कैटेगरी के हिसाब से अलग है, और महिलाओं का शुल्क ₹112 यानी कैंडिडेट जो पुरुष कैंडिडेट है उनके 450, महिला कैंडिडेट के लिए ₹112 रखा गया है। आप फीस को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा बैंक नेट बैंकिंग द्वारा भी जमा कर सकते हैं। ये है बिहार पुलिस के बारे में पूरा जानकारी। ज़्यादा जानकारी आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए यदि योग्य हैं और पूरा सिविल क्वालिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस यदि आप फुलफिल करते हैं तो इसके अप्लाई ज़रूर करें और आप सक्सेस हों। इसी के साथ में थैंक यू, बाय बाय।